हेलो क्लास, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ के इक्वल होते हैं। मतलब जैसे ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है। ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 × 4 है। तो हम इन मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हों। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो मैंने आपको बताया था। रिज़ल्ट हमारे पास ये बाहर वाले नंबर्स होते हैं, तो इसका रिज़ल्ट होगा 2 × 4। ठीक है, और मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि एसोसिएटिव होता है। ए बी को जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन उसको सी के साथ, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी को कर लें देन उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था कि जैसे ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी एंड सी के सम के साथ, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे लास्ट क्लास में आपको। आज हमने इसके कुछ और क्वेश्चंस करने हैं जो कि एक्सरसाइज 3.2 में ही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 82, एक्सरसाइज 3.2। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, देखो आप लोग सारे 14th क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक ही क्वेश्चन दी हुई है और उसमें पूछा हुआ है कि हमने उसको अनइक्वल प्रूफ करना है दोनों साइड्स को। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। वो दिया हुआ हमें 5, -1, 6 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 1, 3, 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है। ऐसी राइट हैंड साइड पे भी हमें दिया हुआ है 2, 1, 3, 4, 5, -1, 6, 7, इनका भी प्रोडक्ट निकालना है। और हमने प्रूव करना है कि दे आर अनइक्वल। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जो है इनको अनइक्वल प्रूफ करना है, एंड सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अलग से, और दोनों को अनइक्वल प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करके देखना है अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको समझा रहा हूँ। 15th और 17th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद करके देखने हैं। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दिया हुआ ए, उसमें लिखा हुआ 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, और उसके साथ एक इक्वेशन दी हुई है जो कि हमने प्रूव करनी है। इक्वेशन में लिखा है ए क्यूब -6a² + 7a + 2i = O। हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है देन इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व फिर इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ किस तरीके से करना है।
सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स पुट कर देना है और उसका प्रोडक्ट ए के साथ ही फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स है 102, 021, 203 और सेम इसका प्रोडक्ट ए के साथ ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले दोनों का ऑर्डर चेक करना होता है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3, सेकेंड वाले का भी 3 इंटू 3, चेक करना है कि इसके कॉलम्स और सेकेंड वाले मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होने चाहिए, जो कि इक्वल हैं। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो होगा हमारे पास, उसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 होगा। फर्स्ट जो उसका एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 0 + 4। सेकेंड जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये सेकेंड एलिमेंट आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0 0 0। एंड थर्ड जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 + 0 + 6। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास जब हम सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं वो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास आएगा 0 0 + 2, देन उसके बाद 0 4 0, देन उसके बाद 0 2 एंड 3। ठीक है, थर्ड रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएंगे ऐसे इस तरीके से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 + 0 + 6। नेक्स्ट आ जाएगा 0 + 0 + 0 एंड देन उसके बाद 4 + 0 + 9। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को 508, देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 245, देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 80 एंड 13। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए क्यूब। ए क्यूब किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो आप उसको और ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसमें, तो मैं ए स्क्वायर इंटू ए से कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 508 245 8 0 13 एंड उसके बाद ए की वैल्यू पुट करनी है 102 021 एंड 203। ठीक है, फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इनका प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 3 मैट्रिक्स ही आएगा, वो इस तरीके से आएगा। सबसे पहला एलिमेंट होगा 5 + 0 + 16, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 0 + 0 + 0, उसके बाद आएगा हमारे पास 10 + 0 + 24, देन उसके बाद 2 + 0 + 10 एंड नेक्स्ट आएगा 0 + 8 + 0, नेक्स्ट आ जाएगा 4 + 4 + 15
एंड उसके नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास 8 प्लस 0 प्लस 26, उससे नेक्स्ट होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 39। तो ये ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। ये हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद अब हमने उस इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, उस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। उस इक्वेशन की पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, उसमें आपको दिया हुआ ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई। अब यहां पे आई क्या होगा? देखो आई, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, क्योंकि इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, तो यहाँ पे जो आई यूज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, 0, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। देन उसके बाद ए की वैल्यू 102, 021, 203 एंड लास्ट में 2i। आई मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 के साथ 100, 010 एंड 001। फिर इस पूरी इक्वेशन को पहले हम जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे उनको अंदर। तो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, 6 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 30, 0, 48, 12, 24, 30। मैंने ये 6 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनके साथ 48, 0, 78। फिर 7 ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, 0, 0, 0, 2, 0 एंड 0, 0, 2। फिर इस पूरी इक्वेशन को हमने एक साथ सॉल्व कर देना। एक साथ सॉल्व करने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है यहां पे देखो सबका 21, 30, 7 एंड 2, इनको एक साथ ही सॉल्व करके हम लिख देंगे 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। फिर वैसे ही सेकंड एलिमेंट सबका 0, 0, 0, 0, तो यह हमारे पास, और साइन इनके बीच यही रहेंगे जो ये मैट्रिसेस से पहले हैं, तो हमारे पास आ जाएगा
जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, एंड लास्ट आ जाएगा 34 माइनस 48 प्लस 40, एंड यहाँ पे 12 माइनस 12 प्लस जीरो प्लस जीरो, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, एंड लास्ट 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, और लास्ट रो में आएगा हमारे पास 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, एंड यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, एंड 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, और इन सारे एलिमेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ विच इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है जस्ट इसके ऊपर, वो भी सेम इसी तरीके से करना है। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 201 213 1 नेगेटिव 1 एंड 0, और साथ में इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करके देखना है। देन उसके बाद 17th क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 3 नेगेटिव 2 4 नेगेटिव 2, आई मैट्रिक्स 1 0 0 1, और एक इक्वेशन दी हुई है जिससे हमने के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अगर आप के ए निकालोगे तो ए मैट्रिक्स को सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना है, तो 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इक्वेशन में और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने ए इंटू ए करके, फिर इक्वेशन को लिखना है सारी वैल्यूज यहां पे पुट करके, कंपेयर करना है आपने दोनों साइड्स को और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताता हूँ जो प्लस वन में आपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ की होगी। प्लस वन ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि एक तो साइन 2x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 plus tan square x। ऐसे ही cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा, वो होता है 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं, बट पहले आप क्वेश्चन में देखो आपको गिवन क्या। क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है ए, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 negative tan alpha by 2, tan alpha by 2 एंड 0। ठीक है, और उसके बाद आपको ये कहा हुआ है
एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, शो दैट। एक इक्वेशन है जो कि हमने शो करनी है, उस इक्वेशन में आपको ये लिखा हुआ है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने ये जो ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसको यूज़ करके इसकी दोनों साइड्स इक्वल आपस में हमने प्रूफ करनी है। अब ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ए, इसमें देखो जो आपको एंगल दिया हुआ है वो अल्फ़ा बाय टू है, और जो इक्वेशन प्रूफ करनी है उसमें सारी जगह जो एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो सारा मैट्रिक्स है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फ़ा बाय टू की फॉर्म में। ठीक है, तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ऊपर साइन टू एक्स का एंड कॉस टू एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, साइन टू एक्स के फॉर्मूला में यहाँ पे जितना भी एंगल होता है, जैसे यहाँ पे टू एक्स एंगल है तो यहाँ पे जो एंगल यूज़ होगा उसका हाफ यूज़ होगा दोनों जगह। ठीक है, तो टू एक्स का हाफ एक्स होता है, और वैसे ही कॉस टू एक्स में जो हमें एंगल दिया हुआ है टू एक्स, इसका हाफ सामने यूज़ होगा। तो ये एंगल बेसिकली क्या करता है, जो भी एंगल है हमारे पास गिवन उसको उसके हाफ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे x की जगह 2x की जगह अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा बाय टू हो जाता, तो उससे हमारे पास ये आ जाता कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा का हाफ होगा अल्फ़ा बाय टू, तो टू टैन अल्फ़ा बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, और कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यूज़ करनी है आगे जाके जब राइट हैंड साइड ऑफ मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है। अब इसमें हम एक और चीज़ अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर सकते हैं कि हम लेट कर सकते हैं लेट टैन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू टी, टैन अल्फा बाय टू को टी लेट कर लेते हैं। नाउ अब हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, पहले उसमें लिखा हुआ आई प्लस ए, आई की वैल्यू पुट करनी है यहां पे 1001 और ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू थी हमारे पास 0 नेगेटिव टैन अल्फा बाय टू एंड टैन अल्फा बाय टू 0। मैंने आपको बताया था कि हमने ऊपर लेट किया टैन अल्फा बाय टू को टी, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास 1001 टैन अल्फा बाय टू की जगह टी आ जाएगा, तो 0 नेगेटिव टी टी एंड 0। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 नेगेटिव टी, 1 में 0 ऐड होगा, 0 में नेगेटिव टी ऐड होगा, एंड वैसे ही 0 में टी एंड 1 में 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 नेगेटिव टी टी एंड 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। वैसे ही राइट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है आई माइनस ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। इस मैट्रिक्स को हमने अभी डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ करके हमने मॉडिफाई किया था, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है उस मैट्रिक्स में। ठीक है,
तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आई की वैल्यू पुट कर देंगे पहले 1001। इस आई की वैल्यू पुट किए पहले, फिर उसके बाद ए की वैल्यू, ए को हमने टी में कन्वर्ट कर दिया था, तो 0 -t, या फिर मैं अभी उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ वैल्यूज, 0 -tan α/2, tan α/2 एंड 0, और cos अल्फा, नेगेटिव साइन अल्फा, इन सब की वैल्यूज जो हमने डबल एंगल फॉर्मूला से कन्वर्ट किया था वो पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 1 -tan²α अपॉन 1 + tan²α, और इसका -2 tan α, सॉरी यहाँ पे एंगल अल्फा बाय 2 आएगा, 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan²α/2, और नीचे वाली दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan²α/2, और यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह 1 - tan²α/2 अपॉन 1 + tan²α/2। ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं यहाँ से जो हमने कन्वर्ट किया था इससे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैन अल्फा बाय 2 की जगह टी पुट कर देंगे ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 0 -t, टी एंड 0, एंड ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t² -2t/1 + t² 2t/1 + t² 1 - t² अपॉन 1 + t². ठीक है, फिर पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 1 उसके बाद 0 में से -t को माइनस करेंगे तो +t हो जाएगा, 1 उसके बाद -t एंड 1। इस सारे मैट्रिक्स में इन सब के डिनोमिनेटर से 1 + t² कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 - t² -2t, 2t 1 - t². देन उसके बाद हम ये 1/1 + t² को बाहर निकालेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1t - t1 1 - t² -2t, 2t 1 - t². फिर उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आएगा रिजल्ट, 1st रो को 1st कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें 1 मल्टीप्लाई होगा 1 - t² से, एंड t मल्टीप्लाई होगा 2t से। वैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई होगा -2t से, एंड t मल्टीप्लाई होगा 1 - t² से। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -t, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है,
नेगेटिव टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर नेगेटिव 2t, सॉरी 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस टी क्यूब, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मैंने, यहाँ पे टी आना था टी स्क्वायर की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें से नेगेटिव टी कॉमन ले लेंगे और यहाँ से टी कॉमन आएगा और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। इन सब में से वन इन सारे एलिमेंट्स में 1 प्लस टी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे है, तो इन सब में से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, और ये हो जाएगा 1 नेगेटिव टी टी एंड 1 और ये कैंसिल आउट, तो विच इज इक्वल टू LHS जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सारे नोट कर लेना। देन उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, पहले मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास 30,000 रुपीज अवेलेबल है जिसको कि दो जगह इन्वेस्ट करना है, दो पार्ट्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला जो है जो बॉन्ड ए है, दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बॉन्ड ए और एक बॉन्ड बी है। पहले हमने क्वेश्चन को समझना है हमने कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है। ठीक है, तो बॉन्ड ए में आपको ये कहा हुआ है फर्स्ट बॉन्ड पे इज 5% इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, एंड सेकेंड बॉन्ड पे इज 7% इंटरेस्ट, इसमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। और आपको ये कहा हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, दो पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में 1800, सेकेंड पार्ट में 2000 का हुआ। ठीक है, तो आपको ये कहा हुआ है कि हमने ये जो जो हमारे पास टोटल अमाउंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमारे पास फर्स्ट केस में जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1800 चाहिए और सेकेंड केस में जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2000 चाहिए। किस तरीके से डिवाइड करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो पहले हमने लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक्स रुपीज की है, तो अगर 30,000 में से एक्स रुपीज हमने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं तो बचा हुआ अमाउंट 30,000 माइनस एक्स वो ऑटोमेटिकली सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट हम इसी तरीके से निकालते हैं, इस अमाउंट पे अगर इंटरेस्ट निकालना है 5% तो 5% ऑफ एक्स, और अगर इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है 7% तो इसको लिखेंगे 7% ऑफ एक्स, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है,
लेकिन हमने क्वेश्चन में ये कहा हुआ कि इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखना है, लेट इन्वेस्टमेंट इन टू डिफरेंट बॉन्ड्स बी एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। मान लेते हैं कि इन दो बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट की है, एक में एक्स है और एक 30,000 माइनस एक्स है, ठीक है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस में दो दो टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे। एक हमेशा हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट बी ए, उसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट कितनी की है हमने, एक जगह एक्स और दूसरी जगह 30,000 माइनस एक्स। तो हमारे पास इसको रो मैट्रिक्स बनाना है हमने। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक में 5%, एक में 7% है हमारे पास इंटरेस्ट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेट मैट्रिक्स फॉर इंटरेस्ट लेट मैट्रिक्स फॉर इंटरेस्ट बी, इसको बी मान लेते हैं। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स हमने लेट करना है, इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में हमारे पास 5% है इंटरेस्ट और सेकंड टाइप के बॉन्ड में 7%। परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो इनके नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/100, 7/100, ठीक है। इसके बाद हमने निकालना है इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे इसको, वो कैसे निकलेगा, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो हमने लेट किए। ए मैट्रिक्स था हमारा इन्वेस्टमेंट का और बी मैट्रिक्स था इंटरेस्ट का। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते वक्त, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1, सॉरी इसका ऑर्डर है 1 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 1, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। उसके बाद अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमें यह दिया हुआ है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1800 है तो टोटल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास था ए बी। तो ए बी को यहां पे पुट कर देना, फिर ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है हमने। ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, जो कि इस तरीके से आ जाएगा 5/100 × x, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7/100 × 30,000 − x। इक्वल टू 1800। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 5x/100 प्लस 2,10,000/100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो नीचे से 100 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 5x
प्लस 2,10,000 माइनस 7x, और ये हो जाएगा 101,80,000। फिर उसके बाद 5x माइनस 7x करेंगे माइनस 2x, 2,10,000 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 30,000, नेगेटिव 30,000। फिर दोनों साइड से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15,000। यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो एक्स थी, विच इज इक्वल टू 15,000, एंड सेकेंड बॉन्ड में हमारी इन्वेस्टमेंट थी 30,000 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा 30,000, एक्स की वैल्यू 15,000 पुट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 15,000। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड केस दिया हुआ है आपको। सेकंड केस में कहा हुआ है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है 2,000। तो यहां पे आपने टोटल इंटरेस्ट हमारा ए बी था, इक्वल्स टू 2,000 लिख देना, फिर सेम ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है, और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपने खुद करके देखने हैं, और बाकी का हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।